देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है। मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और JPC बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है।